अब देखिए, आज हम आप लोगों को एसी सर्किट के बारे में बताने जा रहे हैं। एसी वोल्टेज क्या है, उससे कितना फायदा है, कितना नुकसान भी है, और कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, और एक्चुअली एसी में और डीसी में क्या दोनों अंतर है। एसी क्या है कि कोई भी जब भी उसका करंट फॉलो होता है, एसी वोल्टेज फॉलो होता है, वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन और मान दोनों चेंज होते हुए जाता है, चेंज होते जाता है। लेकिन डीसी में है कि उसका डायरेक्शन और मान चेंज नहीं होता है, सीधा जाता है। कहने मतलब एसी जो है, जब भी फॉलो करता है, जब मैग्नेट सर्किट में जब किसी भी कंडक्टर को घुमाते हैं, तो उसमें जो फ्लक्स इनफ्लो होता है, वह क्या होता है, उसका डायरेक्शन और मान चेंज होते जाता है। माने ऊपर पाया नीचे, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसे होते भी जाता है। अब देखिए क्या है कि यह हम लोग पढ़े, फ्राइडे लॉ भी हम लोग बता रहे हैं और हम लोग जान भी रहे हैं कि वो बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर में हम घुमाते हैं, आप जैसे भी घुमाइए, प्राइम मूवर से घुमाइए या आप वो साधन, जो साधन आपका संभव है वो से घुमा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिससे हम उसको घुमाते हैं, उसको प्राइम मूवर करते हैं। या क्या है कि ये देखिए, कोई भी इसमें क्या है, अंतर इतना ही है कि डीसी में क्या होता है कि परमानेंट पोल होता है, उसके अंदर में उसको माने इलेक्ट्रॉन को माने कंडक्टर घुमाया जाता है। लेकिन यह है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग, माने इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनता है। यह क्या हुआ कि जब भी कॉइल के अंदर के बीच में, जैसे यह क्या होता है, ये इस तरह से दो जो इस तरह से पोल होता है, इस तरह से ये पोल में के अंदर में ऐसे पोल है, और ये कंडक्टर जो है, ये हमारा कंडक्टर जो है, इस तरह से ऐसे होते हुए ऐसे आके इसमें हम लोग, यहाँ स्लिपरिंग होता है, ये है, यही है, इसी में वाइंडिंग रहता है। आज जब ही में वही है, जब ये मैग्नेट बनता है, तो फ्लक्स जो है एन से एस की ओर ऐसे ऐसे फॉलो करते चलता है, और यह क्या है, इसके अंदर ये इसको कट करता है, और वो कट करता है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसका मान और डायरेक्शन चेंज होते रहता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे होता है, और देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए, यह कंडक्टर हम फर्स्ट में लेवल में हम रखे, जो इसके इसके लेवल में, इस तरह से लेवल में आए, तो ये फ्लक्स ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा है, इस तरह से जाता है, तो ये कंडक्टर ये सेम हो गया, नतीजा इसका इसमें कट करेगा, और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, जब मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब सीधा इस पर आ जाएगा। मैं सपोज कि ये फर्स्ट में हम ऐसे इसको सपोज कीजिए, ये जो कंडक्टर है वो इस लेवल में है, आप फर्स्ट पास कर रहा है, तो उसी इसके साथ में कंटेक्ट कर रहा है। लेकिन यह क्या है कि जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, जैसे ही घूमते चला जाएगा, न कि जैसे ये करना, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जब ए बी मैक्सिमम पर आया तो ये नीचे आया, मतलब ये पोर्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस पर होने का मतलब यह है कि ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, नतीजा हाई मैक्सिमम उत्पन्न होने लगेगा, कट होगा और वोल्टेज हाई होने चलेगा, उसके साथ में साथ तुरंत जस्ट है वो फिर चेंज हो जाएगा। ये है ए की जगह पर, ए बी की जगह पर सी डी चला जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस होते ही रहता है। जो एसी हम लोग वोल्टेज कहते हैं, इसमें है डायरेक्शन चेंज होते रहता है, लेकिन डीसी में नहीं होता, डीसी में डायरेक्ट रहता है, वो एसी और डीसी जो उसका मान और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें है कि मान और डायरेक्शन इसका चेंज होते रहता है। इसमें क्या है, आप देखिए, जब मैग्नेट के अंदर में हम उसको घुमाते हैं, तो वो घूमता है, तो ये जब जब जैसे ये कंडक्टर मैक्सिमम पॉइंट में आता है, जिस ये इस पॉइंट पर जब पहुंचता है, इस सपोज कीजिए ये रेखा जो है, इस तरह से ये रेखा जो खींचा हुआ है, ये यहाँ से जीरो से है, यहाँ से जैसे जैसे उठते चला जाएगा, जो जो उठता चला जाएगा, जैसे फर्स्ट में इतना ये डिग्री पर, मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 45 है, सॉरी सॉरी, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री पर पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पहुंच गया, तो हाई मैक्सिमम ये जो है कट से जो धीरे धीरे कट करते जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, कि धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वही जब पॉइंट मैक्सिमम पर चला जाता है, जिसको पीक वैल्यू कहते हैं, जब मैक्सिमम पर चला गया, मन हाई करें, उसमें फ्लक्स लूज होना शुरू हो गया, इसके बाद फ्यू ही मिनट में वो नीचे आ, मैंने फिर से हम नीचे घूमता है,
चाहे प्राइमर से या आप घुमा रहे हैं, तो जैसे है ये पोजिशन 50 नीचे चला जाए, नेगेटिव है ये पॉजिटिव, या ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जैसे आता आता जाता है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इतना जल्दी होता है, जिसको चलते वो क्या है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये एक यहाँ से सब सपोज कीजिए ये वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ यहाँ पर 360 डिग्री का है पूरा पूरी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ, मतलब टोटल यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ 180 हो गया, फिर 90, फिर यहाँ नहीं, तब 360 हुआ। अब इसका क्या होता है सो देखिए, जब इसमें जाने लगता है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से यह फ्रिक्वेंसी चलाते रहता है। एक प्रति सेकेंड में जो प्रति सेकंड मिनट में 50 सेकंड पर बार घूम जाता है, मतलब 50 बार घूम जाता है एक सेकंड में, प्लस माइनस इस तरह से वो आते रहता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। तो ये हो गया 50 पर सेकंड, मतलब ये जो घुमाता है जो साइकिल, जो इसको यहाँ से यहाँ तक घूमता है, एक साइकिल इसी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है उसको एक साइकिल कहते हैं। अब रहा कि इसमें जो समय लगता है जो घूमने में लगा उसको फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यही फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक प्रति 50 सेकंड पर सेकंड जो एक चक्कर लगा देता है उसको 50 सेकंड पर सेकंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए क्या है, इसका जो सैंपल है यहाँ जो है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ, ये देखिए ये एसी का पहचान है, कहीं भी डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ हो, डायरेक्शन चेंज किया हो, तो समझिए एसी है नोट डीसी। वो सप्लाई आप सर्किट देखकर ही पता लगा लीजिएगा कि ये सर्किट है, इसका मतलब हमारा एसी है, हम एसी संबंधित से काम करना है। अब देखिए क्या है, इसका जो है एसी में और डीसी में दोनों में क्या फर्क, आप देखिए क्या है, मैग्नेट ड्रोम होता है अल्टरनेटर करेंट, मतलब अल्टरनेट चेंज करते जाता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करेंट। अब देखिए क्या है, इससे हम लोग को अब अल्टरनेटर का जो भी उत्पन्न होता है जहाँ सब स्टेशन में होता है, तो वो कितना से कितना होता है, डीसी भी हम बताए थे, जो अल्टरनेटर करंट होता है 11 kV तक ना होता है, 11 kV यही इतना यही, और एसी में है, एसी में है, लेकिन डीसी में कितना है वो देखिए 650 वोल्ट, बस ये वोल्ट यही होता है डीसी में। इसीलिए क्या है एसी के भाई जो है 11000 वोल्ट से बेसी हम अल्टरनेट करंट को उत्पन्न नहीं कर सकते, डीसी वोल्ट को 650 वोल्ट से बेसी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ये सुविधा होता है। अब देखिए इसमें क्या है, एसी और डीसी का उपयोग समझ लीजिए कि हम किसको कहाँ हम यूज करते हैं, एसी हमको फायदा ज़्यादा है कि डीसी फायदा है, इसके बारे ये देखिए। फर्स्ट क्या है, एसी जो हम लोग उत्पन्न हम लोग करते हैं, ये अल्टरनेटर जो है जहाँ अल्टरनेटर चलता है, मैंने सब स्टेशन में जहाँ बिजली सब स्टेशन जहाँ जनरेटर स्टेशन होता है वहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ इसका क्या है, फर्स्ट है कि यह जो है इसको हम कितना आसान से, यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है टर्मिनेशन, देखिए टर्मिनेशन और लो करेंट कॉस्ट, हाफ टर्मिनेशन जो मैंने ट्रांसमिशन जो कीजिएगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, इसमें खर्चा कम आता है। आप बोलिए कैसे हो जाएगा, दोनों तो ही है, लेकिन क्या है डीसी में होता है कि मोटा केबल देना पड़ता है, ओवरहेड लाइन नहीं होता उसमें, जो ओवरहेड लाइन होता है वो थोड़ा मोटा है, लेकिन एसी जो होता है ट्रांसमिशन जो आता है जो सबस्टेशन से वहाँ से हम लोग यहाँ लाते हैं, दूसरे सबस्टेशन में ले जाते हैं, तो वहाँ से जाते हैं ओवरहेड लाइन से हम लोग लाते हैं, और वह ओवरहेड लाइन क्या होता है पतला तार से होता है, 11000 वोल्ट पतले तार से ही लाया जाता है, मोटा से नहीं। अब ये ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों हुआ कि यदि पतला तार अगर हो गया तो इसका क्या होता है, उसको रेजिस्टेंस क्या होता है, और आप समझिए आप आ जाइए थोड़ा रेजिस्टेंस पर कि क्या होता है। देखिए डीसी और एसी में, डीसी में होता है मोटा रहता है केबल, मोटा रहता है उसमें जाता है, और ये भी केबल में, ये भी केबल है डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग ट्रांसमिशन जो करते हैं, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक ओवरहेड लाइन से और एक केबल के थ्रू, ये होता है आप केबल के थ्रू को होता है जो लोकल में हम लोग करते हैं, जैसे स्टेशन से हम लोग पावर ले जाते हैं वहाँ केबल की जरूरत पड़ता है।
लेकिन ट्रांसमिशन जो वहाँ से पावर हमारा आता है, वो जो लाते हैं, वह जो ओवरहेड लाइन से जो लाते हैं, वह पतला तार से देते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये हर पहले ही जान लीजिए कि यदि पतला तार होगा तो उसका क्या होगा कि उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। करेंट हाई वोल्टेज में, ये ध्यान रखिए, जैसे हाई वोल्टेज होगा करेंट लो हो जाएगा, ये हर समय ध्यान रखिए। लेकिन जैसे कंडक्टर मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, करेंट हाई हो जाएगा और वोल्टेज लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 11000 वोल्ट हम बढ़ा देते हैं, इसीलिए बढ़ाने पर क्या है, 11000 वोल्ट में क्या हुआ, करंट लो हो जाता है। लो होने के लिए कनेक्टर ऑफ साइज पतला हो जाता है, और वो पतला होने से क्या होगा, ट्रांसमिशन कराने में, दूसरी जगह ले जाने में हल्का पड़ता, पोल को खींचाने में, ट्रांसमिशन तार खींचने में, टाइट करने में, कनेक्शन करने में, हर तरह से सुविधा होता है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ता है। अगर वही मोटा तार देना पड़ता तो कितना दाम बढ़ जाता है, तो अधिक कॉस्ट पड़ जाता है। इसीलिए इसमें लो ऑफ ट्रांसमिशन कॉस्ट जो लिखा हुआ है, कहने मतलब ट्रांसमिशन जो होता है वह कम, जैसे ओवरहेड लाइन में है, हर ओवरहेड लाइन में आप देखिए कि पतला तार है, पतला तार के मतलब मोटा उंगली में जैसे है इस तरह का मोटा इतना तार है, वो क्या है कि वो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, करेंट लो हो जाएगा, करेंट लो हो जाएगा तो नतीजा है और उसका रिजल्ट लो हो जाएगा। अब क्या है, इसीलिए कॉस्ट कम पड़ता है। अब आइए इसका प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, एसी को हम कम भी कर सकते हैं, बेसी भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। लेकिन किसके सहारे, वो ट्रांसफार्मर के सहारे, ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज तो आपके 11000 है, 11000 है। अब आपको बनाना है कि हमें हम 6.6 6600 वोल्ट बनाए, तो वह उसका साधन क्या है, बिना ट्रांसमिशन को हम ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम उसको लो या कम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन डीसी को नहीं कर सकते, डीसी में ट्रांसफार्मर कभी यूज नहीं होता, वह 650 वोल्ट ही आपको जो यूज करना उसको करना है। अब देखिए यहाँ, इसमें ट्रांसफार्मर उसमें यूज नहीं होता, इसमें ट्रांसफार्मर यूज करके हाई लो कर सकते हैं, वोल्टेज को हाई बना सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ईडी वोल्टेज कन्वर्जन, अब क्या है, इसको अगर यदि मान लेते हैं 11000 वोल्ट को आप चाहिएगा बत्ती जला लें, मोटर चला लें, तो असंभव, वो दिक्कत होगी, आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको वोल्टेज, एक बत्ती जलाने के लिए 220 की जरूरत है, 225 का, 240 का वोल्टेज की जरूरत है, 250 की जरूरत है, और एक मोटर चलाना है, अगर एसी मोटर चलाएगा तो 440 चलाना है, 440 वोल्ट चाहिए, ये 11000 है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन वही ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, अब वोल्टेज डाउन करते हैं, डाउन करके हम इजी अनुसार हम लगाते जाते हैं और अपना आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को उस ट्रांसफार्मर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ये आसान पड़ता है, इजी वोल्टेज कंट्रोल, मतलब हम उसको आराम से कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगाते जाइए, जैसे 440 है आप उसे लाइए, आज उसके 220 बाहर आता है उसे लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि 220 लिए अब हमको जरूरत है एसी का 10 वोल्ट या एसी का 220 वोल्ट, तब वहाँ क्या होता है, या 90 वोल्ट चाहिए तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर जरूरत है। जहाँ जहाँ आपको वोल्टेज कम की जरूरत है या अधिक की जरूरत है, बिना ट्रांसफार्मर के सहारे आप नहीं कर पा सकते हैं। और यही जो है इसका इजी साधन है, जो हम इसको अप डाउन कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफार्मर के थ्रू। अब देखिए यहाँ दिया है सिंपल इक्विपमेंट्स, इसमें क्या जो आता है, जो जैसे माने अभी अधिकतर हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैक्सी यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, यह छोटा छोटा इक्विपमेंट्स है जो हमको यूज करना पड़ता है। आप देखिए इसको क्या है, इसके लिए भी है कि आप 220 से बेसी बिजली नहीं दे सकते हैं, 250 आपको वोल्टेज चाहिए, तो वो क्या करता है, जो है वोल्टेज जो आया है, जो 440 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 440 है, वो 220 कर दिया, 230 कर दिया, आप आराम से अपना वोल्टेज जो छोटे छोटे आप लगा दीजिए, छोटा छोटा उपयोग भी कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, जे मान लें जे जेट पंप है उससे निकाल सकते हैं, मिक्सर है घर में लोग लगाता है तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट जो बनता है इसीलिए बनाया, वो जो कि एसी पर चलता है। अब रहा सवाल कि हम डीसी पर क्यों चल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है वो देखिए, पर इसके बारे समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि वह इसमें नहीं यूज होगा, क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, इसको बनाने में सस्ता पड़ता है, लेकिन डीसी में बनाने में महंगा पड़ता है,
इसीलिए हम लोग ई जो है लिखा हुआ है ई सिंपल, एकदम सिंपल साधारण क्या है, जैसे मिक्सर बना है तो मिक्सर बना दिया, एक रोटर दे दिया और फील्ड दे दिया, उसके अंदर दे दिया कार्बन, अब चालू दिए 220 चालू दिए, आराम से चलता रहेगा, ये इसे दिया हुआ। इसके बाद आया ये देखिए इडली कन्वर्सेशन, माने हम एसी को हम डीसी में कर सकते हैं, ये है इजी है वो, उसको हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं जेनरेटर सेट, एसी टू डीसी, एसी हम लोग मोड देते हैं, डीसी मोड चलाते हैं, तब हम उसको डीसी ला सकते हैं, ये इजी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको दिक्कत होगी, इसलिए ये आसान है इसमें कि एसी को डीसी को आराम से आप चेंज कर सकते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा, कन्वर्टर के द्वारा आप कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये साधन इसमें सुविधा है कि हम अपना अनुसार, आपको आवश्यकता अनुसार, हम इस वोल्टेज को, एसी सर्किट को आराम से हम चेंज कर सकते हैं और अपना अनुसार चला सकते हैं। अब देखिए एक चीज, एक महत्व इस चीज़ को जान लीजिए कि सर्किट जो होता है, जो सर्किट होता है, कोई भी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हर जगह कम से कम वोल्टेज का यूज किया जाता है, मतलब 220 से बेसी उसको नहीं रखा जाता है। तो वह जो 220 जो होगा वह भी एसी के द्वारा आप लेते हैं, लेकिन क्या है यह जो है इसका जो है इसको यूज करते हैं, आप सर्किट को किसी कॉइल को ऑन करना है, स्टार्टर को ऑन करना है, आप ऑन 220 दे दीजिए ऑन होगा, लेकिन इसमें क्या है क्योंकि यह डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए मैग्नेट में कहीं भी जो बनता हो, जैसे लिफ्ट है वगैरह है, वहाँ लिफ्ट में वहाँ एसी नहीं होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है, फ्लक्स होते होते हैं, आएगा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नतीजा क्या होगा उसमें फ्लक्चुएट होगा और वो फ्लैक कर दिया, उसमें स्पार्क होने की संभावना आता है, इसलिए वह डीसी यूज होता है, जो सर्किट कंट्रोल किया जाता है, बड़ा बड़ा जैसे एचटी ब्रेकर का बड़ा जो ब्रेकर है, ऑन ब्रेकर है, लाइव ब्रेकर का जब कट कीजिएगा वहाँ पर जो सर्किट में यूज होता है वो डीसी होता है, एसी नहीं, एसी केवल ये पोर्टेबल सामान के लिए ही यूज होता है। आज इतना ही, कल फिर हम दूसरी चीज़ बता देंगे। ओके।